नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देखेगा उत्तराखंड। देखेगा उत्तराखंड में उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है वो सब आपको दिखाएंगे। क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, खास खबरें हैं, उन सब खबरों का पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे। किस तरह से उत्तराखंड में जो ताजा तरीन घटनाक्रम है वो चल रहा है, आज आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर की शुरुआत होगी, इसके लिए शिलान्यास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है, उस खबर पर भी नजर रहेगी। मौण मेला, जिसे की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है, जौनपुर क्षेत्र में ये मौण मेला लगता है। इस मौण मेले में क्या कुछ खास है, क्यों मछलियों को पकड़ा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, वो भी आज आपको दिखाएंगे। साथ ही कई सारी खबरें हैं जिन पर नजरें रहेंगी, क्योंकि अब देखेगा उत्तराखंड। तो याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने उत्तराखंड को सैन्य धाम की संज्ञा दी थी। आपको हम बता दें कि सैन्य धाम उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, और इसलिए भी कहा था क्योंकि यहां का संबंध सेना से काफी ज्यादा रहा है। सेना में उत्तराखंड के युवाओं की भूमिका को आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड आए थे तो खासतौर पर उन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इसके अलावा गढ़वाल राइफल्स है, कुमाऊं रेजिमेंट है, गोरखा बटालियन है, इन सब का संबंध उत्तराखंड से रहा है, इसीलिए उत्तराखंड को सैन्य धाम कहा जाना चाहिए। और उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का भर्ती सेंटर अब उत्तराखंड में खुलेगा, इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका शिलान्यास किया है। शिलान्यास के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कोस्ट गार्ड के चीफ राजेंद्र सिंह भी मौजूद थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस भर्ती सेंटर को खोले जाने पर इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है, और ये उपलब्धि सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही कारगर साबित नहीं होगी, बल्कि उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के नौजवानों के लिए भी यहां पर अब सुनहरे मौके मिलेंगे। यानी कि कोस्ट गार्ड में जो युवा अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, समंदर की लहरों पर अपने साहस और पराक्रम को दिखाना चाहते हैं, उनके लिए आज के दिन ये खबर काफी सुखद है। उत्तराखंड के लिए भी ये खबर काफी सुखद है, क्योंकि उत्तराखंड में इंडियन कोस्ट गार्ड के सेंटर भर्ती सेंटर की स्थापना हो जाएगी, इसके लिए शिलान्यास और भूमि पूजन कर दिया गया है। जानकारी आपको हम ये भी दे दें कि इस भर्ती सेंटर की शुरुआत होने जा रही है उत्तराखंड के देहरादून के हरावाला में, यानी कि कुआंवाला में इसका शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम लोग यहां पर मौजूद थे, क्षेत्रीय लोग भी थे जिन्होंने खुशी जताई है। तो यानी कि सेना में उत्तराखंड का जो योगदान रहा है उसे आप सब लोग जानते हैं, अब ये योगदान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा जब इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती उत्तराखंड में होगी और उसके लिए सेंटर की स्थापना कर दी गई है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हो जाएगी उत्तराखंड में, इसका भर्ती सेंटर खोल दिया जाएगा, इसके लिए शिलान्यास कर दिया गया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट से कई बार प्रदेश में लोगों की चिंताएं बढ़ जाती है। त्रिवेंद्र सरकार का भी कहना है कि वो प्रदेश में हो रहे पलायन को लेकर गंभीर हैं, और इसके लिए प्रदेश के अलग अलग पहाड़ी जिलों में कैबिनेट की बैठक करवाई जाएगी ताकि एक संदेश जा सके। अब इसी सिलसिले में पौड़ी में होने वाली त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है। भले ही त्रिवेंद्र सरकार का कहना हो इससे पलायन रुकेगा, गढ़वाल कमिश्नरी के 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली मनाने त्रिवेंद्र सरकार पौड़ी में जा रही है। पौड़ी जनपद मुख्यालय में सरकार ने कैबिनेट की बैठक का निर्णय लिया है। अब इस बैठक से पहले ही विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ कैबिनेट के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए ठिकाने लगाने जा रही है। इस बैठक से पौड़ी के स्थानीय लोगों को कोई सरोकार नहीं होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिश्ट का कहना है कि बेहतर होता कि सरकार पौड़ी में तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट का प्रावधान करती या कोई पहल करती, स्थानीय लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया जाता, मूलभूत सुविधाओं के लिए पूर्ण व्यवस्थाएं दी जाती। इस हाल में आज पौड़ी जनपद से हजारों लोग पलायन करके निकल चुके हैं। हमारी सरकार में राज्य के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए जो आवश्यक होगा उसे हम कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल हमारी कमिश्नरी का मुख्यालय है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कमिश्नरी के 50 वर्ष पूरे होने के बाद एक भव्यता के साथ वहाँ मनाया जा रहा है, और ये एक पर्व के रूप में है। वहाँ बहुत सारी योजनाओं की घोषणाएँ शिलान्यास होने जा रहा है। ये पौड़ी में कैबिनेट करें, बागेश्वर में करें, चमोली में करें, इससे कुल हल निकलने वाले जो सरकार के रीति नीति है, कोई दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय नहीं हो पा रहा है। पौड़ी के मैक्सिमम ऑफिस तो आपने देहरादून शिफ्ट कर दिए, आप पौड़ी में कैबिनेट जाने से क्या होगा, आप 5-4 हज़ार का करोड़ का खर्चा ही कर पाएंगे हम, इसके अलावा पौड़ी को क्या मिलने वाला आपके जाने से।
तो आपने सुना दोनों नेताओं का क्या कुछ कहना था, यानी कि पौड़ी में जो कैबिनेट की बैठक होगी, जिसे कहा जा रहा था कि पलायन को लेकर यह बैठक होगी, उस पर सरकार गंभीर है। इस मामले पर सियासत भी तेज हो रही है। बहरहाल पलायन मुद्दा ही ऐसा है जिस पर प्रदेश में लगातार सियासत जारी रहती है। उत्तराखंड प्रदेश को आप हड़ताली प्रदेश के नाम से भी जान सकते हैं। कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के कई संगठन यहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं। कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में उपनल के कर्मचारियों ने 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया और धरना दिया। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का कहना है कि उन लोगों का 4 महीने से वेतन नहीं मिला है जिस वेतन की वो मांग कर रहे हैं, साथ ही उनकी नियुक्ति को आगे बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि सरकार हमें परमानेंट करे, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य विभाग से लेकर तमाम विभाग में ईमानदारी के साथ कार्य करते आए हैं, जबकि हमारा वेतन एक मजदूर से भी कम है। अगर सरकार ने उनका रुका हुआ वेतन नहीं दिया तो रणनीति बनाकर सभी विभागों में कार्य बहिष्कार करने की बात भी कही गई है। अब देखना यह भी है कि उपनल कर्मचारियों की समस्या, जो उनकी वेतन की समस्या खासतौर पर है, इस पर सरकार कितना काम कर पाती है, क्योंकि इस पर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। उपनल कर्मचारी कई बार इस तरह की बात कह चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं एक बड़ी समस्या की, जो कि एक बड़ा संकेत भी है और एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। ये बड़ी समस्या देहरादून के लिए है। ये समस्या आज कई शहरों में भी है और इस तरफ तब ही ध्यान दिया जाता है जब कोई हादसा हो जाता है या फिर कोई अनहोनी हो जाती है। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद देहरादून शहर पर एक खतरा है। भले ही इस खतरे को आप कई बार नजरअंदाज कर चुके हों, सरकार नजरअंदाज कर चुकी हो, प्रशासन नजरअंदाज कर चुका हो, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए। न सिर्फ आपको बल्कि सरकारों को भी, नगर निगम को भी और प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस खतरे का हम जिक्र कर रहे हैं वो खतरा है यहाँ के गिरासू भवन। देहरादून में कई इमारतें ऐसी हैं जो कि काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं, खस्ता हाल हैं। ये वो इमारतें हैं जो कभी भी गिर सकती हैं और इन इमारतों को गिरासू भवन, इन्हीं को ही कहा जा सकता है। आप तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीरें हैं उन गिरासू भवनों की, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका आप अंदाजा लगाइए। भूकंप के लिहाज से भी देहरादून संवेदनशील क्षेत्र में आता है। मानसून में कई बार इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में ये इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती हैं। लगभग 100 साल पुरानी ये इमारतें आज भी देहरादून में कई जिंदगियों के लिए आफत बनी हुई है। राजपुर रोड पर मनसराम बिल्डिंग, जो कि किसी जमाने में शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, ये बिल्डिंग भी खंडहर का रूप ले चुकी है। इसकी हालत भी खासी खराब है। चौड़ीकरण के बाद से ही चक्राता रोड पर गिरासू भवन का रूप कई भवन ले चुके हैं। ऐसे ही LIC बिल्डिंग भी है। ये बिल्डिंग गिरासू भवन की सूची में है। तमाम परिवार इस बिल्डिंग में रहते हैं। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि राजधानी देहरादून में गिरासू भवनों को गिराए जाने की प्रक्रिया काफी लंबे समय से अटकी हुई है। नगर निगम ही इस पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, बाध्य है, लेकिन हर साल बरसात के समय में ऐसे गिरासू भवनों को गिराने का काम किया जाता है, मगर इस मामले में नगर निगम प्रशासन पर डाल देता है। कई भवनों को चिन्हित किया जाता है लेकिन उन भवनों पर विवाद शुरू हो जाता है, इसलिए ये मामला कई बार अटक जाता है। तो ये समस्या काफी गंभीर है, जिसको आप कई बार नजरअंदाज करते हो या फिर सरकार, प्रशासन, नगर निगम नजरअंदाज करता हो, लेकिन हमने इस पर पहल की है और हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात उत्तराखंड के लिए, खासतौर पर देहरादून के लिए और उन शहरों के लिए जहां पर आबादी ज्यादा है, लेकिन इस तरह के भवन है जो कि खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, उनके लिए गंभीर चिंता का विषय है। जौनपुर विकासखंड लोक संस्कृति और पौराणिक मेलों, रीति रिवाजों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। इसी तरह इस क्षेत्र का पौराणिक मौड़ मेला भी है, जिसे एक बार फिर से मनाया गया। अगलार नदी में हजारों लोगों ने मछलियां पकड़कर ये मेला मनाया। मौड़ मेला मछलियों को पकड़ने का ही एक मेला है। इस मेले में यहाँ के महिला पुरुष एक साथ हजारों की संख्या में टिमरू, जो कि पहाड़ में एक झाड़ी है, इसकी छाल को निकालकर, इसको पीसकर, इसका रस निकालकर, इस रस को अगलार नदी में डाला जाता है और इसका इस्तेमाल मछलियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। लोगों का कहना है कि मौड़ मेले में सामूहिक रूप से मछली मारने का फायदा मछलियों को ही होता है, क्योंकि जून सप्ताह में अधिकतर देखा जाता है मानसून होने के कारण यमुना नदी उफान पर रहती है, जिस कारण यमुना की सारी मछलियां अगलार नदी में आ जाती है। इससे मछलियों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, जिस कारण मछलियों को जीने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसे में इस मेले में जो मछलियों को मारा जाता है, तो उसके बाद जो मछलियों की संख्या है वो सीमित हो जाती है। नदी में जाने से नदी में जमी गंदगी भी साफ हो जाती है, यानी कि हजारों लोग जब नदी में जाते हैं तो लोगों का मानना है कि गंदगी भी साफ हो जाती है। ये मेला 3 जिलों, जिसमें देहरादून, टिहरी का जौनपुर, देहरादून का जौनसार और उत्तरकाशी क्षेत्र का रवाई मिलकर इस मेले को मनाता है। अब इस पर मान्यता क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं।
मान्यता है कि 1867 में टिहरी के राजा गढ़वाल नरेश के द्वारा इस मेले का शुभारंभ किया गया था। उस समय में मछलियों को मारना अपराध था। अगलार नदी में मछलियों की अधिकता थी, तो उस वक्त वहां के लोगों ने मिलजुल कर राजा से मुलाकात की, एक दिन मछली मारने की अनुमति मांगी। तब खुद कहा जाता है कि राजा यहां पर आए थे और लोगों ने मछलियां पकड़ी थी। तब से लोग इस दिन को मेले के रूप में मनाने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि इस दिन मछलियों को पकड़ने से वन विभाग और प्रशासन भी उन्हें मना नहीं करता है। तो ये एक परंपरागत और पौराणिक मेला है जिसे मौड़ मेला कहा जाता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि क्या कुछ इसकी खासियत है। आप लोगों से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये रमाई क्षेत्र, रमाई जौनपुर और जौनसार में ये मौड़ मेला मनाया जाता है। ये हमारे पुराने पौराणिक समय से, राजाओं के समय से चलाया जाता है। इसकी एक मान्यता था कि इस समय जो है मछलियां जो है वो ऊपर की ओर आती हैं। क्षेत्रीय मान्यताओं के आधार पर यह जो है मौड़ मेला यहाँ पर मनाया जाता है, जिसमें टेमरू के रस से जो है मछलियों को घायल किया जाता है और मछलियां जो है नदी में पकड़ते हैं लोग। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में देश की सबसे बड़ी रोबोटिक साइंस की प्रतियोगिता होने वाली है। 30 जून को इसका आयोजन होगा, जिसका कंपनी आविष्कार के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि आईआरसी में पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से छात्र भाग लेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार से भी बच्चे रोबोट को बनाने में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। जिस प्रतियोगिता में पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से बच्चे आ रहे हैं, उसी प्रतियोगिता में उत्तराखंड के हरिद्वार से भी बच्चे प्रतिभाग करेंगे, अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करेंगे। बच्चों ने बताया कि रोबोट हमारे जीवन में हर तरह के कार्यों को करने के लिए पूर्ण रूप से योगदान देता है, जिसमें रोबोट आज की दुनिया का एक अनोखा संसाधन है और आने वाले समय में रोबोट तकनीकी रूप से बहुत ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे रोबोट की जरूरत भी बढ़ रही है। एकदम बेटे भाई बहन, अगर हम पे रोबोट्स होंगे तो हमें मतलब एक तरीके से, जैसे आजकल के लोग अपने घर वालों से या फिर बहुत अकेले रहना पसंद करते हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, तो रोबोट्स ना केवल उनकी बल्कि हर फील्ड्स में और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव के रूप में भी यूज होंगे। एक्चुअली क्या है कि गुड़गांव में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है जिसका नाम है IRC, इंटरनेशनल रोबोटिक कंपटीशन। ओपन लीग में हम लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट मंथ 10 दिन के लिए समर कैंप्स लगाए थे हरिद्वार में, शिवालिक नगर, दीपगंगा, हरिद्वार ग्रीन्स। हमने एक्चुअली बहुत सारे रोबोट बनाया और हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम ही जीत के और उत्तराखंड का नाम रोशन हो। हरिद्वार की बात कर लेंगे। हरिद्वार नगर निगम अब राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसमें फंसकर शहर की व्यवस्था बेपटरी हो गई है। मेयर अनीता शर्मा के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, तालाबंदी कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ भी नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्य नगर आयुक्त आलोक पांडे बीजेपी के दबाव में मेयर अनीता शर्मा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। नगर निगम के अधिकारियों की अनदेखी के चलते ही हरिद्वार में गंदगी, जल भराव जैसी तमाम समस्याओं का अंबार लगा है। अधिकारियों की मनमर्जी चली हुई है, लेकिन मेयर का अपमान किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से राजनीतिक अखाड़े के बीच में हरिद्वार शहर इस वक्त पिसता हुआ नजर आ रहा है। आज हम लोगों ने एमएनए का घेराव किया है और इनको चेतावनी दिया है। इनको चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर अब इसके बावजूद भी अगर इन्होंने मेयर को काम नहीं करने दिया तो फिर आगे कांग्रेस फिर सड़कों पर उतरेगी, और जब तक ये मदन कौशिक जी या जो अधिकारी है, क्योंकि मदन कौशिक जी हमारे विकास मंत्री हैं, मैं उनसे भी अनुरोध भी कर रही हूँ कि मेयर को काम करने दीजिए प्लीज। तो जहां एक तरफ इन दिनों कई जगहों पर पानी के लिए हाहाकार मचा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जो कि अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित जल स्रोतों को खोज करके उनसे पानी निकालने का काम कर रहे हैं। उनकी ये मेहनत सफल भी हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले की हम बात कर रहे हैं। मुख्यालय को जोड़ने वाले रुद्रप्रयाग चोपता मोटरमार्ग से सटे सांदर गांव के ग्रामीणों ने एक जल स्रोत की खोज की है। ग्रामीणों ने अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित प्राकृतिक जल स्रोत को खोज निकाला है। 35 साल के बाद प्राकृतिक जल स्रोत से पानी निकालने के बाद ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। ग्रामीण जनता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी भी जता रही है। 3 दिनों तक करीब 6 फीट खुदाई के बाद इस स्रोत से पर्याप्त मात्रा में पानी मिला। ग्रामीणों ने प्राकृतिक स्रोत का यज्ञ हवन कर उसका शुद्धिकरण किया और अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उनका कहना है कि जल संरक्षण के लिए भी उन्होंने संकल्प लिया है और ये पहल काफी कारगर साबित होगी।
अब खबर चमोली से है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर जिला सभागार में जिला के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने संबंधित विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक शुरू होने से पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस बैठक में चमोली के तीनों विधायक मौजूद रहे। इस वर्ष के वार्षिक बजट की भी चर्चा इस दौरान की गई। चमोली जनपद के लिए शासन से 4,494 लाख का कुल परिव्यय आवंटित हुआ है। शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जिला योजना के तहत पुराने चालू कार्यों की अधिकता के चलते 70% धनराशि पुराने चालू कार्यों और 30% धनराशि नए कार्यों पर व्यय की जाएगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि छोटी छोटी योजनाओं को बजट के अभाव में जिन्हें लंबित कर दिया गया है, उन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। सब लोगों को बड़ा गहरा शोक है कि हम लोगों ने हमारे जो प्रभारी मंत्री हमारे प्रकाश पंत जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आज जिला योजना की बैठक में सबसे पहले हमने एक शोक प्रस्ताव किया है और पार्टी के कई गणमान्य लोग हमारे से गए हैं। दूसरा, आज हमने जिला प्लान के यहाँ पे बैठक की है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार 44,90,00,000 रुपए का हमने जिला प्लान का परिव्यय पास किया है। नंदा देवी इस क्षेत्र में हो रही बर्फबारी के कारण 8वीं पर्वतारोही की तलाश अभी तक नहीं हो पाई है। खराब मौसम को देखते हुए आईटीबीपी ने सर्च ऑपरेशन स्थगित करने का फैसला लिया है। साथ ही खोजे गए 7 पर्वतारोहियों के शवों को बेस कैंप 2 लाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। वहीं शासन ने पर्वतारोहियों के शवों को बेस 2 कैंप लाने के लिए वायुसेना से हेलीकॉप्टर उड़ान की अनुमति भी लेने में प्रशासन जुटा हुआ है। प्रशासन का कहना है मौसम साफ होने के बाद 8वें पर्वतारोही को खोजने के लिए अभियान यहां पर चलाया जाएगा। नंदा देवी ट्रैकिंग के दौरान जो 8 पर्वतारोही मिसिंग थे, लापता हो गए थे, उनके खोज के लिए आईटीपी के दल द्वारा जो है अभियान प्रारंभ किया गया था। 23 जून को उन्हें एक सफलता प्राप्त हुई थी जिसमें 7 शवों को निकालने में वो सफल हो पाए थे और 23 जून से आज तक मतलब लगभग पिछले 4 दिनों से वो प्रयास कर रहे हैं कि 8वें शव का भी खोज कर लिया जाए, बट उनको सफलता नहीं मिल पा रहा है। और उस क्षेत्र में मौसम का भी अभी प्रतिकूल होना बताया जा रहा है, उसके स्नोफॉल बर्फबारी भी हो रही है और वहाँ पे मौसम जो है बहुत जल्दी बिगड़ने का भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। आर्टिकल 15 फिल्म को लेकर ब्राह्मणों का विरोध बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में ये विरोध देखने को मिला है। एक बार फिर से ब्राह्मण सभा, परशुराम सेना और ब्राह्मण एकता परिषद ने संयुक्त रूप से इस फिल्म के डायरेक्टर का पुतला फूंका। इस दौरान उनका कहना था कि आर्टिकल 15 में ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है। ये फिल्म सामाजिक समरसता को भंग करती है जिस पर पूरे देश के ब्राह्मणों में रोष है। फिल्म का प्रदर्शन करने वाले थिएटरों को भी धमकी दी गई। माताओं को खुली चेतावनी आक्रोश के साथ सब ब्राह्मण बंधु और हिंदू समाज के साथ है कि ये आर्टिकल 15 फिल्म अगर लगती है थिएटरों में तो वो थिएटर के मालिक स्वयं उनकी नींद ये हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज हराम कर देगा। अगर फिल्म चलती है तो वो चलाने का प्रयास करे और जितना रोकने का हमारे अंदर दम होगा हम उन्हें वो दम दिखा। समाज विशेष को बदनाम करने की एक साजिश चली जाती थी, तो ऐसे जो भी जिसने भी इसका प्रोडक्शन किया है मैं उनसे बताता हूँ कि या तो वो फिल्म को तुरंत बंद करे, अगर बंद नहीं करते हैं तो उत्तराखंड सरकार से भी कहता हूँ कि उत्तराखंड में इस फिल्म को बिल्कुल रिलीज नहीं होने दे। बॉलीवुड में अपनी मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाले महान संगीतकार आरडी बर्मन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा गूंजती रहती है। आरडी बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को कलकत्ता में हुआ था। उन्हीं के जन्मदिवस के मौके पर हरिद्वार में एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कई प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। सुनिए। आज हमने आरडी बर्मन जी का जन्मदिन है पंचमदा जी का, तो उसके उपलक्ष्य में एक सेलिब्रेशन के तौर पर रखा हुआ था कि बहुत टाइम हो गया यहाँ पे हरिद्वार में इस तरह के प्रोग्राम नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने आज रखा और मेरे को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो देखिएगा, उत्तराखंड में आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कोस्ट गार्ड का भर्ती सेंटर देहरादून में खुल जाने से अब लोगों को, खासतौर पर युवाओं को, एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। इसके अलावा गिरासू भवनों पर हमने आपको अपनी खास रिपोर्ट दिखाई जो कि खतरे का सबब भी बन सकती है। तमाम खबरें थी, इन खबरों पर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आप क्या देखना चाहते हैं, किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, ये प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए, रोचक जानकारियों के लिए और सटीक खबरों के विश्लेषण के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।